नमस्कार, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एम सैन्वी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। घर से ही मिले गए हैं सर, आप लोग के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी कि रेंट पे रहें या खुद का घर ले लें। यहाँ वीडियो देख रहे हैं आप, इसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। और उसी वीडियो के नीचे बड़े सारे कमेंट्स आए थे कि सर एक वीडियो ऐसी बनाइए जिसमें आप ये बताएं कि घर खरीदें या दुकान खरीदें। बड़े सारे फ़ोन कॉल्स भी आप लोग के आए हुए थे, तो चलिए आज इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि पहले घर खरीदें या दुकान खरीदें। ये जो कन्फ्यूज़न लोगों को रहता है जिसके कारण वो डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं कि क्या करें। हालांकि दोनों रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों का नेचर और नीड्स डिफरेंट होता है। आपको इसके डिज़ाइन, स्पेस, लोकेशन एंड प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। हालांकि शॉप एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जबकि घर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। लेकिन सवाल हमारा यहाँ है कि दुकान और घर दोनों में पहले क्या खरीदें। चलिए इन दोनों प्रॉपर्टी में से सबसे पहले हम शॉप की बात कर लेते हैं, दुकान की बात कर लेते हैं। दुकान जनरली भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता है या किसी मार्केट में हो सकता है, किसी शॉपिंग मॉल में हो सकता है। जनरली दुकान का रेंट और उसका प्राइस दुकान के लोकेशन और उसके साइज़ पे डिपेंड करता है। और ये अक्सर देखा गया है कि बड़े सारे लोग दुकान को लीज पे लेके भी अपना बिजनेस करते हैं ताकि वो लंबे समय तक एक ही एड्रेस और एक ही लोकेशन पे काम कर सकें, क्योंकि आपको पता है बिज़नेस डिपेंड्स करता है लोकेशन पे, मार्केट पे और आपके रेपुटेशन पे। और अगर बिज़नेस अच्छा करना है तो दुकान लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिज़नेस के लिए एक परमानेंट एड्रेस का होना ज़रूरी हो जाता है। वही रहने की बात हो या आपके घर की बात हो, तो घर आराम करने का, रहने का एक अच्छा सा प्लेस होता है जहाँ पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आराम से रहते हैं, इंजॉय करते हैं। और आप जानते हैं दिल्ली जैसे शहर में अपना घर लेना, अपना छत लेना, अपना आशियाना लेना किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। वहीं अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो आपको बड़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि घर में इन्वेस्ट करें या दुकान में इन्वेस्ट करें, और इसी कन्फ्यूज़न में वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। देखिए, आप दुकान तब खरीदिए जब आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा हो, आप मार्केट में इस्टेब्लिश्ड हो चुके हो, कंपटीशन से आप बहुत आगे निकल चुके हैं और मार्केट में आपकी रेपुटेशन अच्छी बन चुकी हो, तब आपको ज़रूरत पड़ती है एक परमानेंट एड्रेस की। और परमानेंट एड्रेस कहाँ से आएगा? जब आप एक दुकान खरीदेंगे, तभी आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस कंडीशन में आपको पहले दुकान खरीदना चाहिए, फिर आपको घर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रॉफिटेबल दुकान से खुद का घर खरीद सकते हैं। और ये डिपेंड्स करता है आपके इनकम और नीड्स पे भी। वैसे आप लोग को मालूम ही होगा शॉप का रेंट ज़्यादा होता है आपके घर के रेंट से। कहने का ये मतलब है जब आपका खुद का दुकान होगा तो उस दुकान से जो आप प्रॉफिट कमाएंगे उसको सेव करके उसी सेविंग से आप अपना खुद का घर ले सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रेंट पे आपने कोई दुकान लिया हुआ है, उससे आप तकरीबन 1 लाख रुपये कमा रहे हैं। उस दुकान का रेंट आप 30,000 दे रहे हैं और जिस घर में आप रह रहे हैं उसका रेंट 15,000 है। हालाँकि जो शॉप का रेंट है, जो दुकान का रेंट है, वो आपके घर के रेंट से ज़्यादा है। तो जो दुकान का आप रेंट दे रहे हैं 30,000, उसी 30,000 को EMI दे के आप अपनी दुकान खरीद सकते हैं। और एक टाइम के बाद EMI देते देते वो दुकान आपकी हो जाएगी। और जब दुकान आपकी हो जाएगी, आपके बिज़नेस को एक परमानेंट एड्रेस मिल जाएगा और आप उसी दुकान से धीरे धीरे कमा कर प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के उससे आप अपना घर भी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की जो रीसेल वैल्यू है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा होती है। वहीं अगर घर की बात करते हैं तो अगर आपका बिज़नेस नॉर्मल चल रहा है, आप पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, आपकी इनकम कम है, तो आप उस छोटी इनकम से अपना पहले घर खरीदिए। घर खरीदने के बाद आप पूरी तरह सेटल हो जाइए, फिर अपने बिज़नेस पे आप जैसे जैसे ध्यान दे रहे हैं, जैसे जैसे वो प्रॉफिटेबल होता जा रहा है, वहाँ से इनकम आएगा, फिर आप अपनी दुकान खरीदिए। तो इस तरह से आने वाले टाइम में आप घर के भी मालिक हो जाएंगे और दुकान के भी मालिक हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी नीड्स को समझिए और उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप इस तरह की वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने वीडियो बना दी है कि आप खुद के घर में रहें कि रेंट के घर में रहें, उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है। रजिस्ट्री कैसे करवाएं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, होम लोन कैसे लें उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे, एम सैन्वी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पे, जो आपका चैनल है, वहाँ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।